एक समय होता है कि एक भविष्यवक्ता को डायरेक्ट परमेश्वर का वचन मिलता था, खुद परमेश्वर बात ही करता था, डायरेक्ट बोल अपना वचन देता था, और कुछ लोगों से परमेश्वर के पास डायरेक्ट वचन नहीं देता था, उन्हें दूसरे तरीके से बातें करता था, जैसे कि उनको सपने में आता था और उनसे बोलता था, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हो गया कि आप सपना में भी नहीं हो, जागे हो, फिर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या हो, आप होश में के हो, आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर ऐसे बैठे हो और जागे हो, केवल आंख क्या किए हो, होते ना, आप जैसे हमने आंख बंद कर लिया तो हम सो थोड़ी नहीं गए, बोलिए, आंख बंद कर लिए तो सो गए नहीं, आप आंखें बंद किए हुए हो और आप लेटे हुए हो या खड़े हो या बैठे हो और आपको परमेश्वर कुछ दिखा रहा है और बातें कर रहा है, तीसरा तरीका हो गया। तो परमेश्वर इन तरीकों से बातें करता था, जिन लोगों से इस तरीके से परमेश्वर की तरफ बातें करते थे उनको क्या कहा जाता था, भविष्य वक्ता, हालेलुया, भविष्य वक्ता। लेकिन इन अंतिम दिनों में, कौन से दिन में, अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में वो किसके द्वारा बातें किया, अपने अपने पुत्र के द्वारा बातें किया अंतिम दिनों में। अंतिम दिनों में उसने सोचा मैं डायरेक्ट बहुत बात कर लिया, सॉरी भांति भांति के सपनों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अब मैं डायरेक्ट किसके द्वारा बात करूंगा, पुत्र के द्वारा। तो पुत्र के द्वारा उसने कैसे बातें किया, उसके पुत्र ने क्या किया, अपना शरीर दिया, क्या किया, शरीर दिया, और परमेश्वर पिता ने क्या किया, उसमें आया, किसके शरीर में, उसके शरीर में आया, और उसके शरीर में हो के वो क्या करता था, जो कुछ भी बोला उसने, जो कुछ भी बोला वो यीशु मसीह ने नहीं परमेश्वर पिता ने बोला। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं वचन में कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यमुना के पुस्तक में आप देखेंगे 13-14 अध्याय में जो है वहां पर एक बोलता ने चेला कि प्रभु हमारे लिए इतना काफी है कि तू हमें पिता को क्या कर, क्या कर, दिखा दे। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तू अब तक मुझे नहीं पहचान पाया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को, अरे क्यों बोल रहे हो, क्यों क्यों बोल रहे यीशु मसीह कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को क्या कर दिया, देख लिया, Thank you.